फ्रेंड्स, तो आज स्टार्टिंग करते हैं अपनी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में नाम होता है द्विघात समीकरण। और बहुपद पढ़ने के बाद उसके बाद से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने के बाद, यानी कि चैप्टर टू चैप्टर थ्री के बाद ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है। छोटा चैप्टर भी है और इसमें होता क्या है कि कोई भी हमारा द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है, उसी को जब आप शून्य के बराबर कर दोगे, द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बर, ये होते हैं हमारे द्विघात बहुपद, इसी को जब आप क्या करोगे, शून्य के बराबर कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा बस। और इसमें कुछ कंडीशंस होती थी, क्या कंडीशन होती थी, पहली कंडीशन क्या होती थी कि ए जो है वो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो मतलब अशून्य होगा, अशून्य शून्य नहीं होगा। अगर ए आपने शून्य कर दिया तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ शून्य का गुणा करोगे, शून्य रह जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, दो घात बचेगी नहीं, जब दो घात नहीं बचेगी तो द्विघात किस बात का, है ना। और साथ में ए बी और सी ये तीनों क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, अब ये समझिए कि द्विघात समीकरण की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेबीलोनियन सभ्यता की जब बात करते हैं तो वहां पर उन लोगों को किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आता था, ठीक है। कोई वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है जिसकी लंबाई आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में प्रत्येक दो भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 90 अंश का है, यही होती है ना वर्ग की परिभाषा। तो वर्ग का उनको क्षेत्रफल निकालना आता था, वो सोचते थे कि भाई जो भी इसकी लंबाई है, मान लीजिए एक्स है, तो आप एक्स का वर्ग निकाल दोगे, वही क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन आयत का क्षेत्रफल सीधे सीधे उनको निकालना नहीं आता था, तो उनके सामने एक समस्या आई। अब मान लीजिए एक उनको आयत दे रखा था और इस आयत में उनको ये बता दिया गया कि इसका जो परिमाप है, क्या है परिमाप, वो है मान लीजिए 300 मीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, वो कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 4400 मीटर स्क्वायर। और अब उनको पूछा गया है कि इसकी विमाएं क्या होंगी, ठीक है, इसमें चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, और उनको आता नहीं है ये चीज निकालना। तो उसमें कोई बहुत ही दिमाग वाला बेबीलोनियन रहा होगा, तो उस इंसान ने क्या सोचा, उसने सोचा कि यार हमें वर्ग निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आता है, और वर्ग जैसा ही मिलता जुलता हमारा आयत है, ठीक है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि जब वर्ग, मान लीजिए वर्ग की कुछ भुजा होती, तो उसने पहले तो सोचा कि जितना इसका क्षेत्रफल है, इतने ही क्षेत्रफल का कोई हमारे पास क्या आ जाए, वर्ग आ जाए, क्या आ जाए, कोई वर्ग आ जाए, कोई एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इतना ही है, इतना ही कितना है, मतलब 4400 है, कितना है 4400। तो इसमें इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए वाई मान लेते हैं हम, तो ये भी वाई होगा, तो वाई स्क्वायर तो उसको पता है, क्या पता है, वाई स्क्वायर पता है 4400, यहां से वो वाई निकाल सकता है, ठीक। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, यहां पर ये जो लंबाई है, अब इसी को अगर आयत बना रहा है तो क्या कर दे रहा है, इसको दबा दे रहा है और इसको खींच दे रहा है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरफ की जो आमने सामने की भुजाओं को छोटा कर दिया और एक तरफ की आमने सामने की भुजाओं को बड़ा कर दिया। और यहां पर जो इसका परिमाप है वो क्या होता है, ये लंबाई आप जोड़ोगे, इसको मान लेते हैं एल, और ये भी आप लंबाई जोड़ोगे, तो जो परिमाप है और ये अगर आपकी विड्थ है, यानी कि इसको डब्ल्यू बोल देते हैं चौड़ाई को, तो क्या हो जाएगी, जो चौड़ाई और लंबाई सब कुछ मिला लोगे तो 2L + 2W जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको जाकर के मिलेगा परिमाप, ठीक, आगे बात समझ में। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहेगा, अब तो हमें पता है कि हम लोग इस लंबाई का और इसका, मतलब चौड़ाई और लंबाई का जब गुणा कर देते तो क्या मिल जाता है, हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। लेकिन अब उनको पता नहीं है ना कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी, यही तो उन्हें निकालना है, उन्हें वो संख्याएं नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए इसी तरह का एक वर्ग होता और उसकी एक साइड वाई होती, तो यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, जो डब्ल्यू हो रहा है ना, वो क्या हो जा रहा है, वाई को हम छोटा कर दे रहे हैं, तो ये हमारा लगभग डब्ल्यू है, और वाई को ही जब हम बड़ा कर दे रहे हैं तो हमारा ये लगभग लगभग एल है। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाने में अगर हमें 300 मीटर परिमाप दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों, अगर मान लीजिए वर्ग होता तो वर्ग में मान लीजिए एक वर्ग का परिमाप 300 मीटर है, तो हमें क्या पता चल जाता, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें निकालना रहता है, इन दोनों का तो कितना हो जाता, 300 तो सबको मिला करके, इसको 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 चारों को, और अगर हमें सिर्फ एक और दो इन दोनों का मिला करके निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम चारों का जो निकाला हुआ है उसमें 200 भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब क्या किया, 150 हमारे, यानी कि इस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, बोलने का मतलब नहीं क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, इतना उन लोगों को समझ में आ गया। आप समझिएगा कि उन्होंने किया कैसे, एक बार समझ जाएंगे ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो देखिए,
अब उनको ये भी उन्होंने सोचा कि अगर ये वर्ग है और इसमें वाई गुणे वाई करते तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाता है, और यहां पर आप क्या करते रहे हो एल में डब्ल्यू से गुणा करोगे, लेकिन एल कितना है तो एल जो भी है उसमें आपको क्या जा रहा है वाई में आप कुछ जोड़ दे रहे हो, तो मान लीजिए हम एक्स जोड़ देते हैं और यहां पर डब्ल्यू में भी आप क्या करते हो वाई में कुछ घटा देते हो तब आपको डब्ल्यू मिलता है, क्योंकि ये जो डब्ल्यू है वो वाई को छोटा करके बन रहा है और ये क्या है वाई को बड़ा करके बन रहा है। और वाई के लिए उन्होंने क्या निकाल दिया कि अगर 300 मीटर परिमाप होता किसी वर्ग का तो उसकी साइड कितनी हो जाती है, ये और ये मिलाकर 150 हो जाता, लेकिन अगर सिर्फ आप एक साइड देखते तो कितनी हो जाती है 75 हो जाती है, 75 मीटर है ना। तो अब उन्होंने इसी को लगा लिया तो उन्होंने बोला इसका मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, 75 में आपने एक्स जोड़ दिया ये आपकी लेंथ हो गई और 75 में आपने एक्स घटा दिया ये आपकी चौड़ाई हो गई यानी लंबाई और चौड़ाई, और ये आपको दे रखा है 4400 के बराबर, समझ रहे हो। उन्होंने कहां से घुमा फिरा करके, क्योंकि उनको वर्ग आ रहा है। अब अपने को ये अजीब लग रहा है, अपने को तो पता है पहले से कि आयत का जो आप क्या निकालना चाहोगे सीधे सीधे आयत की लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर दो, अब लंबाई और चौड़ाई से तो गुणा कर रहे हैं लेकिन वो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी उनको ये नहीं पता है। तो उनको देखिए उनके पास समस्या क्या है, उनको किस में क्या जोड़ा ये 300 दे रखा है और साथ में किस में किससे गुणा किया ये आपको 4400 दे रखा है, यानी कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और वो संख्याएं पूछी गई है, इस तरह की लगभग लगभग समस्या है। तो अभी इन्होंने क्या किया यहां से जब गुणा किया तो ये आपको जाता है 25 और 856, ठीक है, और साथ में 75 क्या करेंगे तो ऋण 75x हो जाएगा, यहाँ पे धन 75x हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4400 के। तो यहाँ पे 75x और ऋण 75x कट गया, तो अब इसी को आप जब मानक रूप में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर चला गया, ये वाला 4400 इससे आप घटा दोगे तो क्या घटाओगे तो कितना बचेगा 5, 2, 2 और 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर जो है वो एक पूर्ण आपको पूर्ण वर्ग मिल जा रहा है, तो यहां से एक्स को आपको मिल जा रहा है 35 प्लस माइनस 35, यानी कि एक्स या तो धनात्मक 35 होगा या ऋणात्मक 35 होगा। अब अगर कोई आकृति है तो उसमें ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है क्योंकि लंबाई तो हमेशा ही धनात्मक होगी, तो यहां से जो इनको एक्स मिला है तो इनकी लंबाई क्या हो गई, ये आपका हो गया 75 धन 35 यानी कि 110, और यहां से क्या मिल गया 75 ऋण 35 यानी कि 40, तो 40 मीटर चौड़ाई और 110 मीटर क्या मिल गई लंबाई। तो एक तरह से इन्होंने जो हल किया ना, देखिए ये यहाँ पर आपका जो इक्वेशन बन गई है वास्तव में ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण सीधे सीधे तौर पर इन्होंने पहुंचे नहीं, इन्होंने घुमा फिरा करके वहां पर वो बनाया जा करके, और इस तरह से हम कहते हैं कि बेबीलोनियन लोगों को अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो वो उसका हल निकाल लेते, तो और वो एक तरह की कौन सी समस्या है, एक तरह की द्विघात समीकरण की समस्या है। इसी में इंडियन मैथमेटिशियंस थे हमारे महान भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त जी, उनका भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। श्रीधराचार्य का जो नियम है उसको तो हम लोग पढ़ते ही हैं, हमारी किताब में उसको द्विघात सूत्र लिखा हुआ है और उसी को हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी बोला करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला करते हैं, जिसको हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। साथ में एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड नाम के, उन्होंने भी इसको लेकर के क्या क्या चीज की थी मैं बहुत ब्रीफ में बता दूंगा, कभी डिटेल में अलग से बताऊंगा, तो उसको भी देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्या चीज हल करने की कोशिश की थी जिसको हम लोग किससे जोड़ते हैं अपने द्विघात समीकरण से। ब्रह्मगुप्त साहब ने तो ऐसा कुछ किया था कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर धन एक बराबर वाई स्क्वायर, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने मान निकाल दिए थे कि आप कोई एक संख्या उसका वर्ग कर रहे हो उसमें किसी से गुणा कर रहे हो उसमें फिर आप एक जोड़ दे रहे हो तो किसी दूसरी चीज का वर्ग बन जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे जोड़े निकाले थे, है ना। तो यहां से भी एक बहुत ही विशेष तरह के द्विघात समीकरण को उन्होंने हल किया जो इस तरह से हम देखेंगे तो हमें और कठिन लगेगा, लेकिन उनके पास दिमाग तो बहुत होता था लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं था पढ़ाई का, तो वो कई चीजें बहुत कठिन कर ले जाते थे और उस कठिन करने के बाद से जिस कंक्लूजन पर पहुंचते थे वो आज हमें बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने अपने पढ़ाई को बहुत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सीखना स्टार्ट किया है, है ना, जो पूरा स्कूलिंग सिस्टम आ गया है। तो अभी यूक्लिड का थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर को अगले वीडियो से फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड ने क्या किया था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूक्लिड जी ने बोला कि ऐसा करिए आप एक लाइन खींचिए, क्या करिए एक लाइन खींचिए, मान लीजिए एक लाइन है वो है हमारी ए लेंथ की, ठीक है। अब मैं बहुत ही गंदा बनाऊंगा, इस पर आप लोग ज्यादा मजाक मत उड़ाइएगा। मान लीजिए ये है हमारा 10 से लेकर के हम लोगों ने 30 तक की लाइन खींच दी, ठीक। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने 30 की जगह आप थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं तो काफी थोड़ा ठीक बन जाएगा शायद, 10 की जगह 30 की जगह हम चले जाते हैं कहां तक, 34 तक चले जाते हैं, ठीक। अब क्या किया, अब उन्होंने बोला इसका आप सेंटर में चले जाओ, कहां चले जाओ, इसके बिल्कुल बीचों बीच चले जाओ, तो ठीक है बीचों बीच चले जाते हैं, ये हो गया बीचों बीच। और बीचों बीच से उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि कोई एक परपेंडिकुलर खींचिए, कोई एक इसके ऊपर लंब बना दीजिए, ठीक है लंब भी हमने बना दिया,
पांच इकाई का मान लीजिए। अब क्या कहते हैं वो, अब ये बोलते हैं कि ये जितनी भी आपकी लंबाई है ना, ये आप इसको बोल दीजिए ए, ये पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई आपकी क्या हो गई ए, और ये जो लंब है इसकी लंबाई आपने मान लिया बी, क्या मान लिया बी। तो बोलते हैं कि ये जो पूरी लंबाई है ना, ये क्या हो गई, ये तो हो गई आपकी ए बटे दो, ठीक हो गई। अब यहां से वो क्या कहते हैं कि जो पूरी ए बटे दो लेंथ है ना, इतनी ही लेंथ का आपका बना दो, एक त्रिज्या बनाओ यहां से, और वो त्रिज्या बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी, समझ रहे हैं, जितनी लंबाई ये है आप देखिए कितनी बनेगी। मैं आपको वास्तव में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर दी थी इसलिए एकदम सही पॉइंट मिल जाएगा मुझे, तो यहां से मुझे कितने का बनाना है, ये बनाना होगा मुझे 12 इकाई का, तो 12 का इकाई का अगर हम लोग बनाएंगे तो 12 और 9 21, ये हो गया आपका त्रिज्या। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है ना, उतनी ही दूरी यहां से लेकर के यहां तक की है, इतनी ही दूरी का आपको क्या कर देना है, एक त्रिज्या खींच देनी है। अब त्रिज्या बनाइए यार, तो हम लोग क्या बनाएंगे, वृत्त भी बनाएंगे, तो ऐसे करके अब जो वृत्त बनेगा वो बहुत गंदा बनेगा, ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ ऐसा हमारा, व्रत बन जाएगा, मान लेते हैं ये व्रत है, ठीक है, व्रत ही मान लो यार इसको थोड़ी देर के लिए। तो अब जो हमारे यूक्लिड साहब थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार ये दूरी जो है, ये जो बाहर निकले जा रही है, इसको उन्होंने नाम दे दिया एक्स, और अगर ये एक्स है और ये पूरी ए बटे दो थी यहां से यहां तक की, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए बटे दो ऋण एक्स, ठीक है, और ये त्रिज्या क्या है, ये तो आपको पता है पहले से, ए बटे दो आपने बना रखी थी, और ए क्या है, ए ये पूरी लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप कोई एक ऐसा समीकरण बनाते हो, कैसा समीकरण बनाते हो, a बटे दो ऋण x, इसमें अगर आप x से गुणा करते हो तो ये हमेशा b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यार यहां पर आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक ये तरह का द्विघात समीकरण है, यहां पर x का स्क्वायर मिल जा रहा है, x तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब x की यहां पर जो आपको मान मिल रहा है यहां से यहां तक की दूरी, वो वास्तव में आप क्या कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, विजुलाइज समझ रहे हो, विजुलाइज कर पाना मतलब आप ज्यामितीय रूप से देख पा रहे हो हल होता हुआ। तो ये जितनी दूरी है उतनी दूरी जो है ना, अगर आप यहां पर रख दोगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, अब हमें ये चीजें आती हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे आती है, एलजेब्रिकली आती है, बीजगणित में आती है, बीजगणित में हम इन सारी चीजों को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें क्या पता है भाई ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बटे दो इसका कर्ण है, ए बटे दो ऋण एक्स जो है इसका आधार है, और ये क्या है आपका लंब है। तो आप क्या कर दोगे, आप बोल दोगे कि ए बटे दो से इसका जो वर्ग है वो कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, ए बटे दो का वर्ग जो होगा ए बटे दो माइनस एक्स इसका वर्ग धन यहां से बी का वर्ग, यही करोगे। अब इसी को जब आप हल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे चार, यहां से ये क्या हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर बटे चार, ये भी हो गया धन एक्स स्क्वायर और ऋण दो गुणे ए बटे दो गुणे एक्स और धन बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर बटे चार, ए स्क्वायर बटे चार तो कट गया, ये आपका बचा एक्स स्क्वायर, और ये क्या बच गया दो से दो कट गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर ऋण ए इंटू एक्स। तो इसी को अगर आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स ऋण एक्स स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से जो आपको कुल मिलाकर के निकल करके आ रहा है वो हो जाएगा आपका एक्स, आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिल जाएगा ए ऋण एक्स और ये बी स्क्वायर, ये आपका जो समीकरण है वो बन करके आ गया। ये यहां पर a बाई टू एक्स नहीं था, ये ए एक्स है, तो यहां पर मैं ठीक से लिख देता हूं, अगर a माइनस एक्स इंटू एक्स को एक इक्वेशन है तो उसमें हम इस तरह का अगर ज्योमेट्रिकली बना देंगे तो हमें दिख जाएगा ये विजुलाइज हो रहा है। तो वास्तव में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह के द्विघात समीकरण का ज्यामितीय हल निकाल दिया, और वो ज्यामितीय हल हमें यहां पर एलजेब्रा का यूज करके बहुत आसानी से दिख रहा है कि हम भी निकाल दे रहे हैं, a माइनस एक्स में आपने एक्स से गुणा किया, बी स्क्वायर के बराबर है, आ गया। तो उन्होंने यहां पर क्या किया, एक तो अपना वही जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने ये चीज जब सोची ना तो आप सोचिए इस तरह से सोचेंगे तो ये आपको हमेशा एक्स निकल करके आएगा, और ये चीज इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मिल रही है कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि किताब में बहुत कम कम लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग भी रह सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो आगे वाले चैप्टर से जो अगला वीडियो उससे हम लोग पूरा इस चैप्टर को ठीक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करते हुए चलेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।